अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मेरा नाम ज़ईम अहमद है, रावलपिंडी से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ मैं। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा, मैंने अपना सेकंड ड्रीम देखा था, उस हवाले से मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। वैसे मैंने जो हमारे ग्रुप के एडमिन जो हैं तलहा भाई, उनसे मैंने अभी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद बिज़ी हैं आजकल। और इमाम मोहम्मद कासिम, इमाम मेहदी से भी करने की कोशिश की थी कांटेक्ट, वो भी बिज़ी हैं, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा मैं वैसे ही शेयर कर दूं। मैंने वैसे सबसे पहले तो मैंने बताया कि जिस तरह अक्टूबर 2022 को मैंने मोहम्मद कासिम को सुनना शुरू किया था, वो मेरी एज 21 है, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ फिफ्थ सेमेस्टर का। और पहला ख्वाब मैंने 6 अप्रैल 2022 2023 को देखा था मैंने, ये तकरीबन 1.5 महीना पहले, जो कि था 15 रमज़ान 1444 हिजरी को देखा था। और ये जो सेकंड ड्रीम जो है, ये मैंने देखा है 7th of May 2023, तकरीबन 1 महीने बाद, जो कि 17 शवाल 1444 बनता है। तो इस ड्रीम, ये बहुत मुख्तसर सा ड्रीम था, छोटा सा था, लेकिन इसकी ताबीर तो खैर बेहतर मोहम्मद कासिम जानते होंगे, इमाम मेहदी, या उनके जो और ज़्यादा करीबी फॉलोअर्स हैं या आप लोग। पहले ड्रीम तो ये था कि मैं इसी तरह ना हूँ, अपने घर में हूँ, और वहाँ मैं अपने बेडरूम से आ रहा हूँ टीवी लाउंज की तरफ, बेडरूम से टीवी लाउंज की तरफ आ रहा हूँ, और मेरे घर में मेहमान आए हुए, यानी कि मेरे नाना हो गए, मामू हो गए, और मामानी, खाला खालू हो गए। तो टीवी लाउंज में मैं देखता हूँ कि 3 सोफ़े, वही फर्नीचर होता है जो अभी भी मेरे घर का फर्नीचर है। बीच वाले सोफ़े में मेरी अम्मी बैठी हैं, राइट साइड वाले सोफ़े में मेरी मामानी बैठी हैं, लेफ़्ट साइड वाले सोफ़े में मेरी खाला बैठी हुई हैं, इस तरह से। तो वो आपस में बात करो तो मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती। उसके बाद फिर एकदम से मुझे कॉल आती है लैंडलाइन में, मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वो इमाम मेहदी होते हैं, इमाम मोहम्मद कासिम अलैहिस्सलाम, वो होते हैं। वो मुझे कॉल करते, पहले मुझे सलाम करते हैं, मैं उनको सलाम का जवाब देता हूँ, फिर उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि वो मुझे भी बोलते हैं कि आपकी चाहत थी कि आप मुझसे बात करें, तो लें देख लें मैंने आपको खुद कॉल किया। तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहले अल्लाह का करता हूँ, फिर उनका करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे कॉल किया, मेरे लिए वक्त गुजारा, हालांकि आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, जाहिर सी बात है, जो वो काम कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है अभी तक का, मैं समझता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा और भारी काम है, सबसे मुश्किल काम है। तो मैं फिर उनसे ये कहता हूँ एंड में कि अभी मेरे घर मेहमान आए हैं, तो मैं अभी बिज़ी हूँ, वैसे तो आप होते हैं, लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ क्योंकि अभी घर में मेहमान आए हैं, जैसे ही मेहमान चले जाएंगे तो फिर मैं आपको फ़ौरन कॉल करूँगा। वो कहते ठीक है, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, मैं भी अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। ये मैंने तकरीबन ये ख्वाब सुबह देखा था, उस वक्त जब मेरी आँख खुली थी तो उस वक्त 10:15 साढ़े 10 बज रहे थे, मतलब फजर के बाद, ये काफ़ी बाद, ये 10:15 साढ़े 10 बजे मेरी आँख खुली थी। सैटरडे को मैंने ये ख्वाब देखा था, सैटरडे को 7 मई को, यानी वीकेंड में। तो मैं ये शेयर नहीं मुझसे हो सका क्योंकि आजकल टास्क बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। अभी पिछले संडे को वो ट्विटर से रिलेटेड काम हुआ हुआ था, चला हुआ था, मेरा वैसे तो ट्विटर अकाउंट नहीं था, मैंने अभी वैसे रिसेंटली बना लिया, कल ही मैंने बनाया, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, मैंने कभी नहीं बनाया वो ट्विटर। तो मेन मकसद जो मैंने ये ख्वाब का ये समझा कि अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने ट्यूटर नहीं बनाया हुआ ये वो, तो मैं उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा मोहम्मद कासिम की जिस तरह से करनी चाहिए। और जो कासिम है, इमाम मेहदी, उन्होंने भी लेटेस्ट एक ड्रीम देखा था जो उससे पहले भी वो देख चुके, कि वो ख्वाब में देखते रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो थोड़े से खफा होते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो साहब हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए, उस रफ्तार से काम नहीं कर रहे। तो
मैं इस ख्वाब का ये मतलब समझाऊँ कि मैं वैसे तो हूँ अपने फैमिली और रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, अटैच हूँ, तो मैं एक तरह से उनके डिपेंडेंट हूँ। तो शायद ख्वाब में अल्लाह ये दिखाना चाह रहा होगा कि अब तुम थोड़ा सा अपने फैमिली या रिलेटिव से इंडिपेंडेंट हो जाओ और थोड़ा सा टाइम इमाम मोहम्मद कासिम के लिए भी निकाल लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, जिस तरह हम फैमिली के लिए टाइम निकालते, उससे बढ़ के अब हमको अपने जो लीडर हैं, ख़ास तौर पे फ्यूचर लीडर जो हैं, जो फ्यूचर खलीफा हैं, उनके लिए वक्त निकालना चाहिए और भरपूर काम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं इस ख्वाब को ये समझूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इस ख्वाब को और क्या मतलब हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।